गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरे की हत्या में गुरुवार 11 मई को बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों ने टिल्लू को मारने के लिए पहले भी प्लान बनाए थे, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हुए थे। टिल्लू की हत्या आरोप में स्पेशल सेल रिमांड पर पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 2 साल पहले भी टिल्लू ताजपुरे को खत्म करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन उसी समय दोनों ट्रक के गैंगस्टर को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया था, इस कारण ये प्लान फेल हो गया। टिल्लू ताजप्रिया को मारने के लिए क्या प्लान बनाए थे? सूत्रों ने बताया कि प्लान ए फेल होने के बाद प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया गया, लेकिन मुखबरी के चलते ये भी फेल हो गया। सूत्रों के मुताबिक टिल्लू को जहर साइनाइड देकर भी मारने की योजना बनाई थी, लेकिन गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ने इसकी सूचना टिल्लू गैंग के गुर्गों को कर दी थी, तो इस कारण इसमें भी आरोपी सफल नहीं हो पाए। सूत्रों की माने तो इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने जग्गू को पंजाब की भटिंडा जेल में पिटवाया था। प्लान सी में गोगी गैंग के गुर्गे कामयाब रहे और तिहाड़ जेल के अंदर ही टिल्लू ताजप्रिया को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल सूत्रों ने कहा कि प्लान ए और बी फेल होने के बाद गोगी गैंग के सदस्यों ने यह तय कर लिया कि हर हालत में प्लान सी को कामयाब करना है। यही कारण था कि चारों हमलावर टिल्लू पर ताबड़तोड़ वार करते रहे ताकि उसके बचने की कोई गुंजाइश ना हो। बता दें कि गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर 2 मई को धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था। इसके बाद ताजपुरिया को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने ये उसे मृत घोषित कर दिया।